हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम बताने जा रहा हूँ कि ये होता क्या है। बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम हम यूज़ क्यों करते हैं? ये हम यूज़ करते हैं ताकि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें और डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम में फ़र्क क्या होती है? डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम में नेगेटिव वेट जो होता है, जिस पे जैसे कि यहाँ पर हमने -1 लिया है, मे और मे नॉट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो उसमें डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो वो ग्रीडी अप्रोच को फॉलो कर लेता है। और इसमें क्या है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में क्या है, इसमें हम नेगेटिव वेट को अप्लाई कर सकते हैं और ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग को फॉलो कर लेता है। चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम इस ग्राफ, जो हमारे पास ग्राफ है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ग्रुप ऑफ एजेस बना लेता हूं, 1, 2। ये है एक एज हमारी 1 से 2 तक। इसके बाद 1, 3 एक और एज, 1, 4 ये हो गई ये वाली एज हमारे पास। इसके बाद 2, 5, इसके बाद है 3, 2, 3, 5, 4, 3, 4, 6 और 5, 7, 6, 7। ये हो गए हमारे पास, इतने एजे हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम टेबल बनाते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए कि टेबल हम इसको कैसे बनाए और शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड हम कैसे करते हैं। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं जितने भी एजेस हैं हमारे पास या जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे पास, वर्टिसेस के नाम लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये है हमारे वर्टिसेस। और कितने स्टेप, कितनी बार हमें इसको विजिट करना है, वो हम इस साइड में लिखेंगे। 0, ये तो चलो ये हमें विजिट करना ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम्स हमें इसको विजिट करना है। 6 कैसे, इसमें विजिट हमें कैसे करना होता है, जितने वर्टिसेस होती है, वर्टिसेस हमारे यहाँ पर 7 है, तो 7 -1 यानी 6 टाइम्स हमें इसको विजिट करना है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी सोर्स वर्टिसेस है, तो इसमें को हम नाम देंगे 0 और बाकियों को इन्फिनिटी कर देते हैं, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इनका वैल्यू है -2 और इसका भी है -2, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या है, ये है सारे इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इसके बाद क्या करें हम, इसके बाद पहले स्टेप में क्या होगा, देखो पहले स्टेप में यहां से स्टार्ट करेंगे और कौन कौन सी एज एक्सेस हो जाएगी, कौन कौन सी वर्टिसेस एक्सेस हो जाएगी, यहां से ये वाली 0 to 1, 0 to 3 और 0 to 5, जो जो डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है वो वर्टिसेस एक्सेस हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, पहले वाले वर्टिसेस पे क्या है वैल्यू हमारी, 0, ठीक है। इसके बाद देखेंगे वर्टिसेस नंबर 2, 0 + 6, तो इन्फिनिटी यहाँ पर हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ पर 6 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6। अब 0, 3 वर्टिसेस पे 0 + 5 इन्फिनिटी है, तो 5, 0 + 5, 4 पे इन्फिनिटी है, तो 5 लिखेंगे। और ये एक्सेस हुई नहीं अभी, तो इनको इन्फिनिटी रख देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बार अब क्या होगा, एक और चीज इसमें, अब देखो ये वाली वर्टिसेस यहां से यहां से यहां से, अब तो ये इस रास्ते से तो ये चेंज नहीं हो जाएगी, ये वाली एज हमारी अब चेंज नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर हम चेंज इनको करेंगे वैल्यू तो यही आना है, तो फायदा ही नहीं है इनको छेड़छाड़ करने। अब हम क्या देखेंगे, देखो अब हम हर एक बार इनको ट्रावर्स करेंगे, इन जितने भी एजेस बाकी रहे उनको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखें, 2 to 5, 2 to 5 क्या है हमारी वैल्यू,
टू टू फाइव, सिक्स माइनस वन, यानी कि इन्फिनिटी को हटा के फाइव लिखेंगे हम यहाँ पर। थ्री टू टू, थ्री टू टू, फाइव माइनस टू थ्री, ठीक है। थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, लेकिन यहां पर फाइव छोटी वैल्यू तो इसी को रहने देते हैं। फोर टू थ्री, फोर टू थ्री, फाइव माइनस टू, इसको क्या लिखेंगे, थ्री, फोर टू थ्री लिख लिए। फोर टू सिक्स, फोर टू सिक्स, फाइव माइनस वन फोर, फाइव टू सेवन, लेकिन अभी इनकी वजह से सिर्फ ये और ये एक्सेस हुए, ये एक्सेस नहीं हुए, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं सेवन वाली को, ठीक है। अब जो यहाँ पर जिस एक्सेस हुए इनका वैल्यू लिख लेते हैं। टू पे क्या आया, ये वन पे फिलहाल जीरो ही है, टू पे थ्री, थ्री पे थ्री, फोर पे फाइव ही है, फाइव पे तो फाइव आ गया, सिक्स पे फोर, और यहाँ इन्फिनिटी, ठीक है। अब एक और बार विजिट करते हैं। टू टू फाइव, टू टू फाइव क्या है, थ्री माइनस वन कितना हुआ है, टू। थ्री टू टू, थ्री माइनस टू वन, थ्री टू फाइव, थ्री प्लस वन, यहां पर टू ही है, ये हो गया फोर, और यहां पर टू ही है, छोटी वैल्यू तो इसी को रहने देते हैं। फोर टू थ्री, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री है। फोर टू सिक्स, फाइव माइनस वन फोर, फोर ही रहने देते हैं। फाइव टू सेवन, अब ये एक्सेस हो गई है, फाइव टू सेवन क्या है, टू प्लस थ्री फाइव, सिक्स टू सेवन, फोर प्लस थ्री सेवन, लेकिन यहां पर सेवन फाइव है हमारी छोटी वैल्यू तो इसी को रहने देते हैं। तो अब वैल्यू लिख लेते हैं, इस पे तो जीरो ही है, ये जो टू है, टू पे क्या है, अब वन, थ्री पे थ्री, फोर पे फाइव, फाइव पे टू, सिक्स पे फोर, सेवन पे फाइव। अब फोर्थ टाइम इसको विजिट करेंगे। टू टू फाइव, टू टू फाइव, वन माइनस वन जीरो, थ्री टू टू, थ्री माइनस टू वन, वन ही है, थ्री टू फाइव, थ्री प्लस वन फोर, और यहां पर जीरो, जीरो ही है। फोर टू थ्री, फोर टू थ्री, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री ही है। फोर टू सिक्स, फाइव माइनस वन फोर, फोर ही है। फाइव टू सेवन, जीरो प्लस थ्री तो थ्री लिखेंगे यहां पर। सिक्स टू सेवन, फोर प्लस थ्री सेवन, लेकिन यहां पर थ्री है छोटी वैल्यू तो इसी को रहने देते हैं। तो वैल्यू लिख लेते हैं, जीरो वन, थ्री पे तो थ्री है, फोर पे फाइव, फाइव पे जीरो, सिक्स पे फोर, सेवन पे थ्री, ये हो गया हमारे फोर्थ इटरेशन। और फाइव, फिफ्थ, अब इसमें क्या है, फिफ्थ में स्टार्ट करते हैं। टू टू फाइव, टू टू फाइव, वन माइनस वन जीरो ही है, थ्री टू टू, थ्री माइनस टू वन, थ्री टू फाइव, थ्री प्लस वन फोर, जीरो ही लिखेंगे क्योंकि छोटी वैल्यू है। फोर टू थ्री, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री ही लिखेंगे। फोर टू सिक्स, फाइव माइनस फोर ही लिखेंगे। फाइव टू सेवन, जीरो प्लस थ्री, थ्री लिखेंगे। सिक्स टू सेवन, फोर थ्री सेवन, यानी कि छोटी वैल्यू थ्री, इसी को रहने देते हैं। तो वैल्यू कुछ चेंज हुआ नहीं यहां पर। फोर थ्री, जब इसमें चेंज नहीं हुआ वैल्यू, तो अगले स्टेप में भी चेंज नहीं होगा कुछ। फाइव जीरो फोर थ्री, ये हुए हमारे वैल्यूज इसका, ये बन गया है टेबल। अब शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड कैसे करना है, देखो शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड कैसे करें। अगर हम जीरो वन टू टू जाएंगे, वन टू टू सिक्स, इस साइड में जाएंगे सिक्स, ये हमारा वैल्यू,
और माइनस वन कितना हुआ, सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव प्लस थ्री एट, ठीक है, नहीं जा रहा है वहां से। अब यहां से देखो, फाइव माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री प्लस फाइव, यानी कि थ्री थ्री और सिक्स ये रहता है, ठीक है, फाइव माइनस टू माइनस टू माइनस वन, फाइव माइनस फाइव जीरो, प्लस थ्री थ्री। तो देखो ये वाली पाथ हमारी जहां से शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है, वो ये वाली पाथ है, ठीक है। तो पाथ को कैसे लिखेंगे हम, जीरो नहीं सॉरी वन टू फोर, वन टू फोर, फोर टू थ्री, थ्री टू टू, टू टू फाइव, फाइव टू सेवन इक्वल टू थ्री, ये हमारी शॉर्टेस्ट पाथ बन गई है। एक और चीज इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होती है वो मैं अगले पेज में बताता हूँ आपको। फॉर्मूला क्या होती है देखो, डिस्टेंस ऑफ यू, डिस्टेंस ऑफ यू इस एज का वैल्यू, इस वर्टिसेस का वैल्यू क्या होता है, प्लस डी ऑफ यू टू वी, इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस तक एज की डिस्टेंस क्या होती है, अगर वो लेस देन हुई डी ऑफ वी, ठीक है, अगर वो ये वाली वैल्यू कम हुई इससे, तो इसको क्या करेंगे हम, डी ऑफ वी यानी कि अगर वी यहां पर ज्यादा वैल्यू था तो इसको चेंज करके इसमें असाइन करेंगे डी ऑफ यू प्लस डी ऑफ यू कमा वी। ये है हमारी फॉर्मूला फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ। थैंक यू।